तो की हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूँ आपका दोस्त नियॉन मैन रेसिस्ट। सत श्री अकाल बोला, राम राम, आदाब अर्ज़े। लड़कियों का क्या बे, मैन क्या होता है बे, रेसिस्ट साला रेसिस्ट। राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, और अगर कुछ मिस हो गया तो कान पकड़ के माफी। मैं हूँ आपका दोस्त नियॉन वुमन। चल छड़ चिया चिया चिया, चल छड़ चिया चिया चिया, चल छड़ चिया चिया चिया, चल छड़ चिया। Welcome back guys, आप देख रहे हैं 2.0 और मैं हूँ आपका favorite host एंटी फेमिनिस्ट। आपका क्या होता है बे, लड़कियों का क्या वोट अबाउट लड़कियां? रुक जा। नहीं, नियॉन मैन को मैं कुछ गलत नहीं दिखा रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि लोगों को आजकल ऑफेंड करना बहुत इजी है, और लोगों को ऑफेंड करने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए, बिना मतलब ऑफेंड हो जाते हैं। True story. तो तुम्हें मालूम है कि यूट्यूब पे एक तगड़ा ड्रामा चल रहा है, और व्यू सब्सक्राइबर और YouTube मनी मुझे भी चाहिए। तो लास्ट वाली वीडियो के बाद, अगर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके देख लेना पहले। तो लास्ट वाली वीडियो के बाद ओम प्रकाश मिश्रा के रिस्पांस में ड्रामा क्वीन ने एक डिस ट्रैक अपलोड किया, और उस डिस ट्रैक को सुनने के बाद ओम प्रकाश मिश्रा ने फिर से एक और वीडियो अपलोड करी, और उस रिस्पांस वीडियो के बाद करीब ने एक वीडियो अपलोड करी, यो साहब जी ने एक वीडियो अपलोड करी, आसिफ बंटाई ने वीडियो अपलोड करी। यार फाइनेस्ट ट्रेंड कहां गया यार, छोड़ दिया क्या ग्रुप? मानो या ना मानो, बट इस वीडियो के एंड तक में ना तुम्हारे दिल से एक ही फीलिंग आएगी, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। True story. ए ज्ञानी, क्या कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, शुरू से बता, शुरू से। चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो लास्ट वाली अपडेट के बाद ड्रामा क्वीन ने एक वीडियो, एक डिस ट्रैक अपलोड करी ओम प्रकाश मिश्रा पे, जो मैं तुम्हें ऑब्वियस रीजन की वजह से नहीं दिखा सकता, प्राइवेसी कंप्लाइंट के पॉइंट। और इससे फिर से ऑफेंड होके हमारे प्रिय मित्र, हमारे जिगरी यार चड्डी बडी ने एक और रिस्पॉन्स वीडियो अपलोड करी। ये अगर आपके दम है ना, तो अपने टैलेंट के दम पे आप व्यूज लेके दिखा, जो आप कभी मुझ पे कर दिया, कभी बड़े यूट्यूबर पे आपने वीडियो बना दी, रोस्ट कर दी, रैप कर दिया, डिस्ट्रैक्ट कर दिया उनको, तो यार ये तो आप उनकी पॉपुलरिटी के साथ खेल रहे हो, ये तो कोई भी कर सकता है। सीरियसली कोई आईडिया नहीं, मैं इसको कितनी बार डिफेंड करूंगा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? अगर तुम ये वीडियो देख के ऑफेंड हुए हो ना, ये गलती इसकी नहीं, ये गलती तुम्हारी है, तुम्हें पहले दिन से पता होना चाहिए एक नंबर का बेवकूफ है, और शायद यही रीजन है कि मैंने आज तक वीडियो इस पे नहीं बनाई। पर ठीक है, अब तू चाहता है मेरी तरफ से भी सुनना तो ले, सुन ले मेरे भाई। सबसे पहले तेरी बहुत बड़ी गर्लफ्रेंड तू स्टार है ना, ना मुन्ना ना, तेरे पहले वाले वायरल सॉन्ग पे 37 मिलियन व्यूज थे, उसमें से तुझे 100K लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तुझे अभी भी लगता तू फेमस है? सीरियसली ब्रो, बिंदु दारा सिंह भी ना 13 लाख गुना ज्यादा फेमस है। सकल अच्छी नहीं तो बातें तो अच्छी करो यार। वे टीनू आनंद भी ना तुझसे लाख गुना स्मार्ट दिखता है। रोशन चले की क्या औकात है यार मेरे सामने, क्या औकात है, हम बड़े बड़े यूट्यूबर जो है। ये गलत फहमी मत पालो कि तू फेमस है, नहीं नहीं नहीं, नहीं तू फेमस नहीं है मेरे भाई, लोग तुझसे नफरत करते हैं, ये डाइजेस्ट कर। बड़े यूट्यूबर हैशटैग बड़ा यूट्यूबर। लोग कहते हैं कि कैरी मिनाडी ने मुझे हिट किया है, ऐसा नहीं है। उस समय कैरी मिनाडी का पर्पस था मेरा वीडियो बनाना और पैसे कमाना, और उसने मुझे रोस्ट किया और पैसे कमाए। मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ, इतना ओवर कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो, कौन सी दुकान में बिकता है मेरी वीडियो, मेरे ऊपर वीडियो बना के पैसे कमा रहे हो? तू एड्स देता है इन वीडियो पे, तूने एडवर्टाइजमेंट लगा रखी है, या पहली चीज गूगल पॉलिसी पढ़, रोस्ट वीडियो पे एड्स प्ले नहीं हो रही है, एडवर्टाइजर सूटेबल नहीं हो रहे, मतलब तू इतना गंदा दिखता है कि एडवर्टाइजर भी बोलते हैं फक दैट, ऐसे बंदे के चेहरे पे एड नहीं प्ले होगा, नो, कंपनी बदनाम हो जाएगी, ना। मुझे लोगों ने हिट किया है, मैं ट्रोल हुआ, मेरे मेम्स बने और मैं वायरल हुआ, और इसमें जो सबसे अहम भूमिका निभाई है वो पेजेस, फेसबुक के बड़े बड़े पेजेस जिनके मिलियन फॉलोअर। तू फेमस किसी की वजह से नहीं हो भाई, तू अपनी वजह से फेमस हुआ है, तू टैलेंटेड है, ये क्रेडिट भी क्यों दे रहा है यार? नहीं, हमने नहीं किया यार, अपनी सक्सेस का क्रेडिट भी हमें मत दे, क्योंकि ये क्रेडिट लेने से अच्छा मैं घर पे बैठ के हिलाना पसंद करूंगा। मेरे वीडियो रोस्ट करना छोड़ दो, तुम्हारे मैं तो, और तुम करोगे नहीं, अगर मेरे रोस्ट बनाओगे तो पैसा नहीं कमाओगे, पैसा नहीं कमाओगे। मेरे वीडियो रोस्ट करना छोड़ दो, तुम्हारे मैं तो, और तुम करोगे नहीं क्योंकि तुम्हारा बाप हूं ना, बाप हूं ना। अबे इतना ओवर कॉन्फिडेंस लाते कहां से हो, और दम की क्या बात करा भाई, उन चारों पांचों में दम है, देख ले जरा, हेल्दी है, तू अपनी बात कर, जाके डॉक्टर के पास से ग्लूकोज पी। दम है, पागल हो गए हो क्या? सबका बाप फकल से तो हिलाने वाले लगते हो, बंदी पट्टी जिंदगी में तुमसे कभी पट जाती तो आंटी की घंटी जैसे गाने थोड़ी लिखता।
Oh yeah, I am loving it. Hey bro, तू तो बाबा गैंग को सपोर्ट कर रहा है. No 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 no. Don't get me wrong. पता है बहुत सारे लोगों को लगता है मैं उनसे नफरत करता हूँ. नहीं नहीं नहीं, मैं उनसे एग्री नहीं करता. और अगर तुम्हें लास्ट वीडियो देख के लगा था मैं ओम प्रकाश को सपोर्ट करता हूँ तो नहीं 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 नहीं, मुझे मालूम है वो छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड हो जाएगा तो मैं उसे और ऑफेंड नहीं करना चाहता. देयर इज अ डिफरेंस. मैं इतना समझदार हूँ कि फालतू ड्रामा बनाने से बेटर मैं इग्नोर मार दूँ. ट्रू स्टोरी. मेरा बस चले, मैं बहुत जोक मारे बट मैं ज्यादा ऑफेंड नहीं करना चाहता क्योंकि अगली बार बाबा गैंग में फिर मेरा नाम भी जुड़ जाएगा. इस वीडियो के बाद गरीब ने एक रिस्पॉन्स वीडियो बनाई. मतलब बेसिकली ओम प्रकाश मिश्रा कह रहा है कि तुम में दम है तो अपने बस पे कुछ करके दिखाओ. एंड गरीब फक दैट. उन्हें बोला कैसे? हाउ डे यू? उन्हें मेरी इंसल्ट करी कैसे? उन्हें बोला कैसे? फर्स्ट प्लेस पे ये ड्रामा शुरू क्यों हुआ था? ओ राइट, रोस्टिंग गुरु ने कुछ बनाया था इसके ऊपर. दोगलापन तो यहीं से दिख रहा है. गरीब ने एक पॉइंट हाईलाइट किया कि ये गालियां देता है, असली लौंडा है. पहले बोलता गालियां तो फिर गालियां देता. हाउ डेयर ही? ब्रदर तेरी वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट हो रही है. तू लोगों को ये बता रहा है कि ये गालियां देता है? सीरियसली ब्रो, एक नया चेहरा उभरते हुए सबके सामने आया है. यो साहब जी, जस्ट इन केस तुम नहीं जानते हो साहब जी, मैं बताता हूँ. तो लोग होते हैं ना जिनको लगता है कि अगर महंगा कैमरा ले लें, महंगा माइक ले लें तो लोग हमें देखेंगे. मतलब इनका हिसाब होता है महंगा कैमरा, महंगा माइक, कंटेंट, फक यू, ये. सीरियसली ब्रो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? यो साहब जी ऑफेंड इस बात पे हुए कि ओम प्रकाश ने ये कहा कि ये सारे रोस्टर दूसरों के कॉन्टेंट पे वीडियो बनाते हैं, दूसरों के टैलेंट पे, उनकी पब्लिसिटी पे, उनके फेमस होने पे व्यूज कमाते हैं. और मेरा सवाल यो साहब जी से इतना ही है, गलत क्या बोला उसने? जिनके 100-200 हजार सब्सक्राइबर है उनको पता होगा तुम किस बेसिस पे वीडियो बनाते हो. अगर लोग कर रहे हैं, अगर मैं किसी फेमस बंदे की वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे पता है मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि व्यूज आएंगे, उसका नाम चलता है. वो फैक्ट बोल रहा है. ऑल्दो उसके चॉइस ऑफ वर्ड्स खराब थे, जिन शब्दों का प्रयोग उसने किया वो गलत था, बट जो बात वो कहना चाहता था वो बिल्कुल सही है. लेट मी गिव यू एग्जांपल. ये एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं. रोस्टर कम्युनिटी, पहली चीज मुझे तो इंक्लूड मत करना, मैं रोस्टर नहीं हूँ. हम लोग नया कुछ नहीं लाते. कैरी ने ओम प्रकाश मिश्रा किया, सब ने ओम प्रकाश मिश्रा किया. कैरी ने नासिर खान जान उठाया, सब ने नासिर खान जान उठाया. मतलब बेसिकली कैरी मिनाटी जाके ना मेहनत करता है कि हाँ मैं कुछ नया लेके आऊँ, कि हाँ जो लोगों ने देखा ना हो, जो ट्रेंड में ना हो, मैं नया ट्रेंड सेट करूं. हम लोग ट्रेंड फॉलो करने वालों में से हैं. तो वो गलत क्या बोलते हैं कि तुम उसका नाम यूज करके उसके व्यू, उसके सब्सक्राइबर उठा रहे हो? और वो चैलेंज अगर तुम्हें दे रहा है कि तुम अपने बेसिस पे कुछ करके दिखाओ तो करके दिखाओ ना. 20 में से 7 वीडियो तुम उसके ऊपर डालते हो, बाकी 13 वीडियो देख लो तो वो भी किसी ना किसी के ऊपर है. तुमने अपने आप क्या किया है? कुछ लोग सीरियसली ऐसे हैं जिनकी एक भी वीडियो उनका ओरिजिनल कंटेंट नहीं, वो हमेशा एक पैरासाइट की तरह दूसरे पे डिपेंडेंट है. मतलब अगर सबने क्रिंजी कंटेंट डालना बंद कर देना, ये खत्म है. तो भाई मुझे नहीं लगता उसने ये बात कहीं पे भी गलत बोले कि तुम लोग उसका नाम यूज करके व्यूज छाप रहे हो. और अगर तुम्हें बात बुरी लगी है वो सिर्फ इसलिए लगी है क्योंकि वो सच बोल रहा है. और अगर तुम उसे गलत साबित करना चाहते हो ना तो उसका नाम यूज करना बंद कर दो, उसकी वीडियो मत बनाओ, क्योंकि दुनिया में इससे भी बड़े बड़े अजूबे हैं जिनको तुम ढूंढ सकते हो. बट मेहनत कौन कर रहे यार, जो ट्रेंड चल रहा है उस पर चलाओ. ये बात तो सबको पता है, जब भी तुम कुछ नया ट्राई करते हो उस पर व्यू नहीं आते क्योंकि लोगों को उस बारे में पता नहीं. और अगर तुम्हें मैं गलत लगता हूँ, प्रूव मी रॉन्ग इन दी कमेंट सेक्शन. बट गए, इसके बाद आसिफ बंटाई ने भी एक वीडियो बनाई इसी टॉपिक के ऊपर. और कहीं ना कहीं मैं आसिफ बंटाई की सारी बातों से एग्री करता हूँ. और स्पेशली ये बात जिसमें उसने कहा था कि अगर तुझे डिस्ट्रैक्ट बुरा लगा, तुझे डिस्ट्रैक्ट से रिस्पॉन्स देना चाहिए था, ना कि वीडियो बना के उसके माँ बाप पे चढ़ जाओ, उसकी काबिलियत पे शक करो, उसके एग्जिस्टेंस पे शक करो. कहानी अभी तक यहीं पहुंची. अब बात कर लेते हैं व्हाट आई पर्सनली थिंक. ओम प्रकाश मिश्रा पहले से बेवकूफ आदमी है, अगर तुम्हें नहीं पता था तुम गलत हो. जो उसने वीडियो बनाई उसका ओवरऑल कॉन्टेंट समझोगे, मुझे नहीं लगता कहीं से भी गलत है. चॉइस ऑफ वर्ड गलत है, जिस तरीके से उसने खुद को रिप्रेजेंट किया वो गलत है. अगर वो बोल रहे तुम मेरा नाम यूज करके पैसा छाप रहे हो, वो पूरा बात गलत है. बट उसने एक बार जो रोस्टिंग के लिए कही है कि तुम लोग दूसरे का नाम, दूसरे की पब्लिसिटी यूज करते हो, वो कहीं से भी गलत नहीं है. कि मैं भी 100-200 सब्सक्राइबर से होके आ रहा हूँ, मुझे भी पता है मैंने क्या सोच के वीडियो बनाई है. तो अगर तुम इस बात से ऑफेंड हो रहे हो कि लो तुम्हें बोल रहे हैं कि अपना रियल कंटेंट ले आओ, तो ले आओ, प्रूव हिम रॉन्ग. बट अगेन रिस्पॉन्स में तुम एक और वीडियो बना रहे हो जबकि पूरा ड्रामा तुम्हारी तरफ से शुरू हुआ था, फिर से तुम उसको टारगेट कर रहे हो कि इससे ड्रामा चाहिए. भैया इतिहास गवाह है, यूट्यूब पे सबसे ड्रामा करने वाला ड्रामा क्वीन है और कोई नहीं. बट अगेन दिस इज अ ओपन डिस्कशन, तो मैं जानना चाहता हूँ तुम क्या सोचते हो, क्या हो रहा है, क्या तुम्हारे दिल से भी यही आवाज आती है जब भी तुम ये ड्रामा देखते हो, सारे मिलके हमको पागल बना रहे, या तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ? फील फ्री टू लेट मी नो. ओके, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू हाईलाइट वन मोर पॉइंट. ओम प्रकाश मिश्रा ने क्लियरली एक रिक्वेस्ट नहीं कहूंगा बट इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट यही करी थी कि उसके ऊपर वीडियो मत बनाओ. और जितने भी ये लोग हैं इन सबकी प्रोफाइल तुम चेक करना, इन सब ने अपने प्रोफाइल पे लिखा हुआ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद माई वीडियोज
कॉन्टेक्ट मी, आई विल रिमूव द वीडियो. सी कैरी और बाकी रोस्टर में एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि कैरी मोस्ट ऑफ द टाइम परमिशन लेता है अपनी वीडियो बनाने से पहले. फॉर एग्जाम्पल अगर कैरी ने तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाई और तुम्हें उससे कुछ भी प्रॉब्लम है तुम उसे कॉन्टेक्ट करके बोल सकते हो कि भैया रिमूव कर दे वीडियो, वो हटा देगा. बट यहाँ पे हर बार की तरह वही चीज हो रही है कि वो बोल रहा है कि मेरे ऊपर वीडियो मत बनाओ, बट कुछ लोग ये चीजें सिर्फ लिखने के लिए यूज करते हैं, रियल लाइफ में नहीं. जाने से पहले एक और बात बोलना चाहूंगा कि मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं ना ओम प्रकाश से ना एक बाबा गैंग के मेंबर से. मेरा बस ये कहना है कि अगर उसे पसंद नहीं आ रहा प्लीज डोंट डू इट, वी शुड रिस्पेक्ट हिम एज एन ह्यूमन. और इंसानियत के नाते ही छोड़ दो यार, क्या हो गया. अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से फेमस है या रोस्टर की वजह से फेमस है तो मेरे ख्याल से अब वो फेमस नहीं रहना चाहता और इसलिए वो तुम लोगों को कह रहा है बंद कर दो ये सब करना, तो बस रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ. बाकी तो जिनको ऑफेंड होना है ये वीडियो देख के वो ऑफेंड होंगे होंगे, और जो समझदार हैं थैंक यू सो मच. और अभी कहते हैं कॉफी आए ओ तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, और अगर एंजॉय किया तो लाइक करना मत भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. जो अगली मुलाकात होगी कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए पीस आउट. पता नहीं यार इतनी वीडियो अपलोड हो रही है सेम टॉपिक पे, मैं क्यों पीछे रहूं यार.